ये बंदा ऐसा है, यहाँ दिरात का गाना है, जलन पड़नी पड़ता और चार इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। कपल एंजॉय होता हुआ बेहतर चल रहा है लाइफ में, शायद ये सिंगल है, मजा आने वाला दोस्त। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो भाई ये मेरा पहला व्लॉग है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो भाई प्लीज़ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो भाई कहना अपने बारे में, तो भाई सब लोग बताते हैं कि भाई मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ। मेरे बारे में बताएंगे भाई मेरे कुछ पर्सनल और मेरे अजीज दिल के गरीब दोस्त और कुछ भाई। तो चलिए करते हैं उनसे बातचीत, जानते हैं मेरे बारे में। सुबह उठते ही भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम, जो सबसे पहला काम है, बिजी को घुमाना। इंग्लिश आती है भाई से, बस सबसे पहले भाई इससे पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, ये नहीं तो बता भाई। एक्चुअली मेरा फैमिली मेंबर है। अच्छा, मतलब दोस्त भी है, मेरा भाई भी है, सब कुछ है, बाप भी हूँ। तो बंदा ऐसा है, अगर से कोई दोस्ती कर लेगा ना, उसकी दोस्ती नहीं भाई, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। मेरी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं, चैलेंजेस आए थे, जहाँ मुझे उसकी बहुत ज़्यादा नीड थी और उसने वो मेरे साथ खड़ा रह के मेरे वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाई है। और ये कुछ ज़्यादा अपनी फिटनेस पे ध्यान देता है, मैं तो उसको बोलता हूँ मुझे भी ट्रेनिंग दे थोड़ी, बहुत मोटा हो गया हूँ मैं, पर वो देता नहीं है भाई। जो बंदा सुबह उठ के भी मैंने इसको फ़ोन किया कि भाई आजा 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 आजा, आधे घंटे इसका यहाँ पार्क में वेट किया और फिर ये क्या कह रहा है कि भाई आधा घंटा चाय पीने में लगेगा। तो ऐसे लोग कैसे फिट रह सकते हैं? ये सन्नी, इनसे मिलो। अब ये बताएगा भाई का नाम है वंश उर्फ बोलूँ, हमारी दोस्ती होगी 16-17 साल की, हम बचपन के दोस्त हैं। भाई जिम करता है, प्रोफेशनली यूट्यूबर है, वीडियो बनाता है, घूमने का शौक है भाई ने, सेल्फ मोटिवेटेड बंदा है। और क्या है, सेहत भी बहुत बढ़िया है। बुराई बतानी है, बुराई एक दो बुराई बता। बुराई बुराई तो टाइम को फोन नहीं खाओ है, अपनी मत बता रहे ना भाई, बुराई कोई को नहीं, दिरात का कहना है, दिरात ना दे ना, मतलब जो सेल्फिश भी है भाई, आपने इसका खुद का जिक्र करा जब तो मरा भी ले भाई हो। अच्छा, ये है भाई मानव, ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे मेरे बारे में बताइए। नाम तो पता ही है सबको कि वंश है, एंड इट्स सच अ ग्रेट नेम वंश, इट कवर्स अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन। बेकार है भैया, बट हाँ मैं तुमसे मिला था सबसे पहले कि हम लोग कोई शूट कर रहे थे, पहले मैंने इसे सिर्फ इंस्टाग्राम पे देखा था और मैं खुदा कसम जब मैं इसकी प्रोफाइल देखता था, मैं सबसे पहले ये देखता था कि मेरी बंदी तो इसको फॉलो नहीं करती है। बहुत खतरा है, अगर तुम्हारी बंदियां इसको फॉलो करती है तो बहुत मुश्किल होने वाली है, तुम एक बार पता करवा लेना कि कोई ना कोई कुछ ऐसी कोई उसका क्या पता बेस्ट फ्रेंड निकल आएगा या तो कोई पुराना फ्रेंड निकल आएगा, तो थोड़ा ध्यान से। हाँ तो, और लेकिन हाँ, तुम्हें किसी को लॉयलिटी टेस्ट कराना है तो ही इज द बेस्ट गाय हायर हिम। दूसरा कि तब मैं इसको मिला था तब ये लाइट पकड़ के ऐसे ऊपर खड़ा हुआ था, तो मुझे लगा वो ठीक है होगा कोई भी, लेकिन जब फिर मैंने इसकी प्रोफाइल देखी तो मैं काफ़ी, मतलब इट इज़ सो इम्प्रेसिव, ही सो बोल्ड, ही डजंट केयर अबाउट सम बिलीव्स और यू कैन से सम टबूज ऑफ सोसाइटी, ही जस्ट ब्रेक्स ऑल ऑफ देम, ब्रेक्स ऑल ऑफ रूल्स एंड ही कम्स आउट बोल्ड एंड इट्स अ काइंड ऑफ इंस्पायरिंग थिंग। और एक दूसरा कि ये काफ़ी टैलेंटेड है, जो मैं इसके सॉन्ग्स देखे। की बातें जो आपको बुरी लगती हैं मेरी, वो बातें बुरी बातें हैं कि एक तो ये अपने आप को स्ट्रेच बहुत ज़्यादा करता है, ये जिम जाना, इसकी बहुत रिगरस ट्रेनिंग, डाइट, तो ये थोड़ा मैं कहूँगा कि इसको थोड़ा बहुत ना इस चीज़ से हट के रेस्ट भी लेना चाहिए। अच्छा, और दूसरी, ठीक है, दूसरी यही है कि कुछ ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि कई बार शूट पे इसको किसी ने कुछ बोल दिया था, बट ही सो डाउन टू अर्थ, इसने कभी जवाब नहीं दिया उसका, तो थोड़ा बहुत उस चीज़ पे भी मेरे को लगता है कि हाँ यार वो ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन है। बीइंग टैलेंटेड इज अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट, इट कीप्स यू हैप्पी नो मैटर वेयर यू आर, इट जस्ट कीप्स यू हैप्पी, यू कैन जस्ट प्ले गिटार, यू कैन गो आउट एंड यू हैव ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ दीस थिंग्स इन यू। तो ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो कैमरा है, बाय। ये स्टूडियो में आ गए अपने उम्मीद भाई की। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया, आप बताइए। एक नंबर, मैं व्लॉग में आ रहा हूँ। चलो तो फिर चैनल का नाम बताओ अपने जल्दी से। मेरे चैनल का नाम है उम्मीद, और भाई का चैनल भाई सब्सक्राइब कर देना। आप बताओ मेरे बारे में। सच सच कसम, सोच लो। हाँ बताओ, सच बताओ भाई। फिर आप कट लगा दो। नहीं भाई, कुछ ना तो बीप लगाऊंगा ना मैं कट लगाऊंगा। देखो ये हमारे भाई वंश भाई हैं और मेरे दिल के बहुत करीब हैं, वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, डेफिनेट है वो, तो आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में पता लग जाएगा। ये बहुत अच्छे हैं, ये जिम में लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं देखते। अच्छा भाई, फ्रेंड्स को तो बिल्कुल भी नहीं देखते।
मैं जिस दिन आया था उस दिन भी उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया उनके बारे में, कुछ भी बात नहीं हुई थी। और करेक्टर बहुत साफ है बिल्कुल, और ऑनेस्टली ये सच्चे दिल के इंसान है, ये तो ये हंसने वाली बात नहीं है, बिल्कुल जार इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पैदा होकर ही गलती की है, और यही भाई की जिंदगी है। और भाई मॉडलिंग भी करते हैं और एक्टिंग भी करते रहते हैं कुछ कुछ चीजों में। भाई की म्यूजिक वीडियो भी अभी भाई ने मस्त वाइब किया और देखा मैंने, मेरे को बहुत मजा आया, वीडियो अच्छा बना हुआ था, सब कुछ बहुत अच्छा है, काम तो डेफिनेटली सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी मेरे को खुशी है व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया आपने, कांग्रेचुलेशन फॉर दैट, गुड दैट यू आर डूइंग दिस एंड कीप डूइंग दिस। ओके थैंक यू सो मच यार, हाय बैंक, कैसे हो तुम, कुछ काम चल रहा है क्या? पंकज भाई आपको मेरे बारे में कोई भी दो बात बतानी है, मतलब आप मुझे कैसे जानते हो और मैं कैसा हूँ, तो चलो बताओ। Once is a very English में हिंदी में as you comfortable। You are very comic person, मतलब मैं जितना तुम्हें जानता हूँ कि तुम life को ज़्यादा ना बहुत ही easy way पे proceed करते हो, like very comic way, जैसे कहते हैं लंड फेंकनी पड़ता वाला attitude, कि तुम हर चीज़ को ऐसे go through कर जाते हो कि जैसे लंड फेंकनी पड़ता, तो ये तुम्हारी life का ना सबसे बड़ा हो रहा है मोटो जिसको बोलेंगे। मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी को देख के सोचता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में जिंदगी कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाए ना, तो तुम स्ट्रॉन्ग दिखते हो मुझे, दैट टेल्स अबाउट यू कि तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा टेफलॉन पर्सनैलिटी है, जो डाउन नहीं जाती, जो कमज़ोर नहीं पड़ती, तुम स्ट्रेंथ के साथ खड़े दिखते हो मुझे। सेकेंड, मुझे बहुत इंस्पायर करते हो जब तुम अपनी फिजिक को लेके, अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहते हो, दैट पार्ट्स आल्सो सेज अ लॉट कि हमारे आसपास कोई इतना हेल्थ कॉन्शियस बंदा है जो अपनी फिजिक और बॉडी को मेंटेन किए हुए, मुझे इंस्पायर करता तुम पर्सनली इस चीज़ को लेकर। थर्ड, एक लंबी जर्नी हमने साथ में बिताई है दिल्ली में, या वो जो स्ट्रगल जो हमने साथ में जिया है वो यादें मेरे दिमाग में ताउम्र रहेंगी, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारे साथ बिताया हुआ टाइम, वो बहुत गोल्डन और अमेजिंग था। यू आर ए वेरी ग्रेट पर्सन टू मी, और मुझे हमेशा एक चार्जिंग वाली वाइब फील होती है, बिकॉज यू आर ए मैन ऑफ एनर्जी, कहते नहीं कोई आदमी एनर्जी का कोई पावर हाउस है, तो वो तू है भाई। तो अब दो बुराई बताओ जो भी आप फील कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया लंग फर्क नहीं पड़ रहा, उसी में तुम्हारी बुराई भी है कि तुम सीरियस बहुत कम होते हो चीजों को लेके, जो कि कहीं ना कहीं तुम्हें स्लो ग्रोथ देते कुछ चीजों में, तो वहां मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजों पर तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए, और तुम सारी जगह वो एटीट्यूड कैरी नहीं कर सकते, वो तुम्हारी मेन पर्सनैलिटी बन चुकी है, उसे तुम्हें ब्रेक करना है। ये एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ चीजों में सीरियस होना चाहिए लाइफ में। चलो पंकज भाई ने कहा है तो हम आगे से सीरियस रहेंगे अपनी लाइफ को लेकर, अपने गोल्स को लेकर। मजा आया, क्या हाल है? एक नंबर। कल कहाँ थे आप? कल यार थोड़ी ज्यादा पी ली, मैं बिजी हो गया था, मतलब मेरे को तेरे बारे में बताना है, मेरे को खुद के बारे में बताना है, अपने बारे में नहीं भाई, मेरे बारे में बताना है। ये वंश मौर्य है और ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत डेडिकेटेड है जिम के लिए, मैं उसको जब भी देखता हूँ जिम 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 जिम, ये एक दिन भी शायद ही मिस करता हुआ साल में जिम के लिए, ऐसा मोटिवेशन मेरे को चाहिए बस यही है इसके लिए। चलो ये तो अच्छी है, दो बुरी बातें बताओ। बुरी बातें, हाँ इसके कुछ दोस्त खराब है, और दूसरी भाई शायद ये सिंगल है, शायद ये सिंगल है। बात ही करनी है, बात ही करांगे बैठ के, चाय पानी पीवांगे यार, फिर आराम से बैठांगे, फिर बतलावांगे, ठीक है ऐसे भाई बढ़ाओ, बैठो चाय भी पिलाए, पानी पिलाए, इतनी सेवा घर में बैठाए ऊपर कमरे में, फिर बात करे, इन इन उठाए क्या करे। मैम तो खैर सब मेरा यार वंश है, तो ठीक है वो तो चल रहे, मैम भी खैर रखा हुआ, बाकी मैं वंश से मिला था कई साल पहले, मतलब करीबन छह साल हो गए, मतलब ध्यान नहीं एग्जैक्टली कि कदम मिले थे, बट हाँ
मैं इनकी बालक है और मेरी लाइफ आखिरी काम जो हमने करा इकट्ठा वो उसके बारे में थोड़ा शेयर कर पाऊँ क्योंकि हम उससे पहले ज़्यादा इकट्ठे रहे होना। तो हालांकि मैं सिनेमाटोग्राफी करूँ था उस प्रोजेक्ट में और वंश मेरी टीम में था, तो हमने इकट्ठा काम करा और वंश ने मतलब कमांड तो पहले चीज़ें पकड़ ली। आखिरी टाइम में ऐसा हो गया था जब शूट खत्म होना था कि वंश ने भेजा था कि क्या करना है, मेहंदी भाई शक्ल देख अच्छा मेहंदी भाई सोच रहे कर देंगे कोई चीज़ वो नाटी नहीं कदे भी ठीक है। तो मेहनती बालक तो है और बाकी ये बढ़िया है कि तू सब में इकट्ठे लेके चल रहा है सब जगह ठीक है कि अगर तू एक नया इनिशिएटिव है तू लोग चालू कर रहे हैं ठीक है। ये सबसे बढ़िया बात है कि ये सबके लिए सोच रहा है कि यार मैं सबसे पहले अपने भाईचारे ने इंट्रोड्यूस करूँ ताकि उन्हें मैनू लगे कि यार हाँ कोई चीज़ शुरू हुई है तो हमारी गल हुई है, ये सबसे बढ़िया बात है। नहीं तो लोग यार शुरू कर ले हैं ठीक है फिर और आगे आगे चाल जुगल बढ़ते जाओ तो भूल भी जाए भूल भी जाते हैं कि कौन था ठीक है यार दोस्त सारे छोड़ दे, तो वो चीज़ थोड़ी सी वंश ने थोड़ी सोची है तो ये बढ़िया इनिशिएटिव। तो भाई ये है प्रमोद भाई सच्चाई बतानी है, हाँ सच्चाई स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होना चाहिए भाई, सच्चाई नहीं एकदम कैमरा ऑन कर दिया तो सच बताना है चलो बताओ। सच नाम पता है सब लोगों को वंश रोहतक का भाई हमारा, हम मिले थे आज से अराउंड 7-8 साल पहले, एक हमारे पास शॉप थी हमारी वहाँ पे हम सब लोग मिले थे, ऐसा कुछ था नहीं कि हम लोग ऐसे कॉन्टिन्यूस मिलते रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ प्लान नहीं था ऐसा कुछ प्लान नहीं था सच। वो होता ना कभी कभार मिले पर वो ना वाइब्स जो होती है वाइब्स जो हमारी मैच की वो हमारी मिली मतलब बकचोदी में जो मिली बकचोदी के साथ साथ फिर हमने साथ में काम शुरू किया, हम लोगों ने बहुत मतलब एक चैनल शुरू किया क्रिएटर्स करके, उसके बाद हम लोग ललित शौकीन पे ज्यादा शायद साथ रहे लंबे टाइम तक, वहां से फिर हमारा जो बॉन्ड है बहुत मतलब अमेजिंग बना। टाटा बकचोदी बट इज एन गुड आर्टिस्ट मतलब उसका काम बहुत अच्छा है, क्राफ्ट अच्छी है, भाई ने पेट कम कर लिया उस टाइम पे पेट हम दोनों मोटा आ गया था भाई। ट्राइंग बुरी बात बताओ तो बुरी बात गोली देना भाई का बेरा नहीं कद की तो वह है अच्छा झूठ मतलब एक बार तो भाई 6 महीने खातर गायब हो गया था बेरा नहीं कित गया वो आज तक समझ में नहीं आया वो केस। एकदम तो एक भाई ने वीडियो शूट करी जो मिलियंस में गई, उसके बाद 6 महीने तक वंश मौर्या नामक कोई आदमी होया भी करता ऐसे जिसने अपनी पर्सनलिटी खो दी थी वो राज राज है मेरा नहीं इसके ऊपर बताऊंगा बताऊंगा नहीं वो मैं जरूर बताऊंगा ब्लॉग में ये मैं कट कर दूंगा ओके okay, स्टार्टिंग में लोग जुड़ेंगे जो ठीक है जो भी अभी तो जैसे हमारे दोस्त ही हैं जो सर्कल में वही लोग हैं सिर्फ जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, तो दूसरे लोग जो अभी नहीं आएंगे उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनको मैं इतना कहूंगा भाई चैनल को सब्सक्राइब करो जुड़ो इस पे बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आने वाला है क्योंकि भाई ने बहुत सारी मेहनत करके चैनल खोला है, ये नहीं कि एकदम से खोल दिया मन कर गया, बहुत ज्यादा रिसर्च करके सोच समझ के खोला है, तो मजा आने वाला दोस्त जल्दी जुड़ जाओ और बहुत सारी चीजें मिलेंगी तुम्हें जो तुम्हारी जिंदगी में एक वैल्यू ऐड करेगी, बने रहो इसी ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच यार भाई नियो ऐसा बहुत ज्यादा पुराना दोस्त है इनसे मिलो, ये है निखिल। मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता रहा, मेरे बारे में जितने भी मेरे दोस्त हैं जितने मेरे भाई हैं वो बता रहे हैं, तो आप बताओ मेरे बारे में। रिपोर्ट तो एक ओके है तेरी रिपोर्ट में कोई कमी नहीं है। आप मिले थे 2015 करीब में, अब डिप्लोमा कर रहे थे ठीक है कॉलेज में, तब मिले थे हम और बस वहीं से अपनी दोस्ती शुरू हुई थी इतना सीरियस क्यों रहा रिपोर्टर हूं मैं रिपोर्टर गाइड दिया था काम से पहले वाले दिन उस दिन वहां बैठे थे
ऑडिटोरियम में वहीं काट दिया था काम, यारी दोस्ती तो वहीं से शुरू हो गई। अरे फिर अपने उठना बैठना चालू नहीं, मतलब मेरी रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट तो तेरी ओके बता दी मैंने, ओके है। ओके का मतलब क्या, डेफिनेशन क्या ओके की? ओके की नू है फुल सेट ओके और किस तरह बताऊं कसम ओके जिसको चीज को मैं इम्प्रूव करूं, वो इम्प्रूव करने के लिए कोई भी दो चीज बता दे। इम्प्रूव करना खाते तो भाई दो चीज इम्प्रूव होनी चाहिए। तेरे मंगाए को नहीं, मैं कभी की बताऊं भाई अरे यार ऐसे दोस्त ना भगवान सबको दे। सच्चाई है और भाई कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है कि निखिल बोल रहा है कि भाई कुछ मतलब ऐसी कोई कमी ही नहीं है, ऐसा तो नहीं होता भाई, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। लेकिन ये बताना नहीं चाह रहा यार, मेरे को नहीं पता कि सबको ऐसा लगता है या फिर मैं हूं ही ऐसा, तो पता ही नहीं भाई। कोई कमी नहीं है, अपना सही है, ये खावा पीना गड्ढा है काम ने। ठीक ओके चलो मिलते हैं, थैंक यू यार। परवेश का फोन आ रहा है भाई। हेलो। हाँ भाई क्या हाल है? ठीक है। मैं तो बाहर हूँ मंडी। तू कहाँ है? क्या कितना बाहर कर रहा है भाई? कुछ काम था। हाँ सुने सुना। हाँ बोले। हाँ ठीक है खंडाला। मजा आया क्या? अरे बोले ना। बोल ले भाई। अरे कौन बोले लग रहा है अरे वंश तो बोल लू भाई, क्यों यार? हाँ बोल रहे वज्जनाथी। हाँ क्या कह रहे हैं बता। तो भाई इस व्लॉग का ना यहीं पे ही खत्म करते हैं यार। सुबह से लेके शाम तक कभी वर्कआउट कभी घर के काम और वो सारे काम कर करके ना भाई बिल्कुल ही मैं थक चुका हूँ सारे कामों से। अब भाई तो चाहिए बढ़िया सोना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।